कहाँ पर तू फिर से था? अरे तू हाथ ऊपर कर ना, हम लोग उधर ही खड़े हैं। हाथ ऊपर कर। अच्छा ठीक है ठीक है। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज़ आप लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आया हूँ जियो सेंटर में जो फाउंटेन शो होने वाला है उसके लिए। ये फाउंटेन शो बहुत ज्यादा हाइप किया गया, बिकॉज वन ऑफ द काइंड। भाई जैसे दुबई में फाउंटेन शो होता है, वैसा कुछ हो रहा है हमारे इंडिया में भी धीरूभाई के खुद के जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। जाते हैं फटाफट, क्योंकि 10 मिनट के अंदर शो शुरू होने वाला है और मैं हमेशा की तरह लेट हूँ। तो कीप वॉचिंग एंड वीडियो देखते रहना, एंड में सब्सक्राइब भी करना मेरे भाई। आया अच्छा ये चीज़ है कि जब आप जियो में एंटर कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पे लोग उनके खड़े रहेंगे, आपको ग्रीट वीट करेंगे, ठीक है। हम आप लोग को बताएंगे कि आप स्पेशल हो, आप यहाँ पे आ रहे हो। एंड अच्छी चीज़ क्या है, वो इतनी भीड़ नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई एम लाइकिंग। एंड ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तगड़ा बनाया है वो। देखते हैं, थोड़ा जाके चेक करते हैं। ओके, थोड़ा बहुत ही मुझको याद दिलाता है जैसा दुबई में था ना फाउंटेन, जो अपने एमिरेट के मेन गेट पर है, थोड़ा बहुत वैसा एम्बियंस बना के रखा है। एंड अभी थोड़ा हमारी माता जी थोड़ी फोटोज खींच रही है। तो धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में आपको खाने के लिए ऑप्शन तो बहुत ढेर सारे मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो। रेट जो है वो भी ठीक ही है, इतना नहीं ज़्यादा नहीं है, महंगा नहीं है। तो एक वड़ा पाव आपको 50 रुपए का मिल रहा है, कैंडीज मिल रही है, रोस्टेड आलमंड, कॉफी एंड बाकी सारी चीजें। अफोर्डेबल रेट हमारे खाने में 100 रुपए आपका। मैं देता हूँ ना माँ, यूट्यूब पार्टी। चाय 70 रुपए की पड़ी है और वड़ा पाव आई थिंक 20-30 रुपए का पड़ा है, जो काफ़ी 50 रुपीज़। ये थोड़ा अफोर्डेबल अच्छा रेट है, नॉट दैट बैड यहाँ पे, पर ओवरऑल तो सही लग रहा है। चाय का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, कुल्हड़ में दिया हुआ है। एंड बड़ा पाव कैसा है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको कैसा है बड़ा पाव? अच्छा है। देखो बेसिकली कुछ भी बोलो, 70 रुपए की चाय है, 70 रुपए का वड़ा पाव है, जैसा भी है अच्छा है, ठीक है भाई। अंबानी 70 रुपए का वड़ा पाव दे सकता है। अभी टाटा के अंदर जब हम जाते हैं ताजू के अंदर, तो वहाँ पे 100 रुपए का वड़ा पाव है। और जो शो शुरू नहीं हुआ, शो शुरू होने का टाइम है, हम 7:30 के शो में देखने को आए हैं। थोड़ा वेट करें, थोड़ा दूर का सीट लेना, ये मेरा प्रोटर पर हल्का दूर बैठोगे तो पानी के फ्लैश से बचोगे, ज़्यादा पास में रहोगे तो फ्लैश से गिरा। पानी के फ्लैश तो हमारे साइड भी आ गए, तो मतलब आप जितना पास में बैठोगे आपके ऊपर पानी के फ्लैश पड़ने का चांसेस है। थोड़ा पीछे का सीट लो, बचे रहोगे। आपको कैसा लग रहा है बच्चे को? वेरी नाइस। दूसरा गीत खेल जगत से संबंध रखता है। चाय ठंडी हो गई अंबानी, ये सम्मान है। मुझे लग रहा है म्यूजिक की बीट के हिसाब से उन्होंने फाउंटेन शो को अरेंज किया। ये आप भी आसपास की बिल्डिंग में जो करता है दोस्तों, फ्री में शो देखने को मिलता है। टू सॉन्ग्स दैट सेलिब्रेट द इंडियन स्पिरिट, उसको वन इज एन अपबीट सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म दैट सेलिब्रेट्स स्पोर्ट। होता है आज का शो, हमें खुशी है आज शाम आप हमारे साथ हैं। आशा है कि आप हमें फिर मुलाकात का मौका दें।
जिनके अपनी गाड़ियां हो वो तो बेसिकली हम देखो फोटो खींचने के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, खाली एक प्रॉप बना के रखा हुआ है राइट हैंड साइड पर जहाँ पे लोग फोटोज़ खींच रहे हैं। ये जो आप पीछे देख सकते हैं मैक्सिमम, और तो कुछ अभी फिलहाल है नहीं। शो आधे घंटे का होता है, काफ़ी अच्छा होता है, एंटरटेनिंग है। एंड अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बिकॉज मेरे घर की लेडीज़ फोटोज़ खींच के मानेंगे नहीं, 1.5-2 लाख फोटोज़ लेके ही जाएंगी। अगर आप भी आ रहे हो तो घर में कैमरा छोड़ के आना। यहाँ देखिए हमारी प्यारी प्यारी माता जी फोटोज़ खींचा के जाके थक नहीं रही है। यही होता है जब बहुत टाइम के बाद किसी को घर से बाहर लेके आओ ना, तो यही हाल होता है। चलो आई एम हैप्पी, शी इज हैप्पी। लोगों को हटा हटा के फोटोज खींच रही, भाई हटा हटा के फोटोज खींच रही है। आ गया, बहुत बढ़िया। आप तो जियो का जो मेन शो है वो शुरू होता है 7:30 बजे का, एंड एंट्री गेट जो ओपन होती है वो समवेयर अराउंड 6:30 बजे से हो जाती है। लाइन लगा रहता है एंड लोग तो होते ही तुमको गाइड करने के लिए। याद रखना जब जियो के अंदर घुसोगे तो घुसने के बाद वैले पार्किंग भी है, एंड आपको पार्किंग के लिए भी अलग से 80 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। वैले का 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। पार्किंग नीचे होती है L1 पे, लोअर ग्राउंड L1 पे, आप वहाँ पे जाके पार्क कर सकते हैं। एंड देन ऊपर आना है आपको ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे शो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ ध्यान में रखना, आगे का सीट मत लेना वरना पानी का स्प्लैश मुंह पे पड़ेगा। थोड़ा पीछे का, पीछे बैठोगे तो बेटर है। सीट की ब्लॉकिंग नहीं होती यहाँ पे, मतलब जो पहले आएगा पहले बैठ गया उसको मिल गया सीट, देयर इज नो ब्लॉकिंग एज सच। बिसाइड्स दिस तुम अगर यहाँ पे आ रहे हो तो प्रो टिप ये रहेगा, बीकेसी में ट्रैफिक बहुत होता है, तो भाई 5:30-6 बजे का जो ट्रैफिक होता है नेक्स्ट लेवल है। मैं पवई में रहता हूँ, पवई से बीकेसी आने के लिए मैं घर से निकलता हूँ 5:30 बजे, एंड फिर भी यहाँ पे आने के बाद 7:10-7:15 मुझे हो ही गए थे, मतलब शो शुरू होने के 10-15 मिनट पहले मैं पहुँचा हूँ। तो भाई प्रो टिप ये रहेगा, अगर तुम कोई भी हो जो बीकेसी आने का प्रोग्राम कर रहे हो शो देखने के लिए, थोड़ा पहले निकलोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ट्रैफिक में तुम्हारा शो हो गया। बट येस ओवरऑल इट इज़ वर्थ इट, इट इज़ फ्री एज ऑफ नाउ, एनी बडी कैन कम, देर इज़ नो चार्जेस फॉर इट। तो सीधा अंबानी के, तो जो सीधा जियो का साइट है, मैं इसका नीचे लिंक डाल दूंगा, क्लिक करके जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, 7:30 का स्लॉट है। अच्छा तो माँ कैसा लगा आपका शो? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? नाइस नाइस नाइस। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अमेजिंग। मजा आया? इंस्टाग्राम वर्दी काफी फोटोज वीडियोस ले ली तुमने? तुमने भी लिए? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी नीट, क्लीन, फुल लग्जरी एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक द वॉशरूम्स वर आल्सो वेरी ग्रेट। Yes. With Dyson hand dryer. And very nice fragrance. Oh. Very good. Overall मुझे तो अच्छा लगा, मतलब जैसा भी था, खाली यही है जल्दी आओ, मजा आएगा, फ्री है तो आ जाओ देख लो। मुझे तो लगता है जियो की तरह हो सकता है कि सिम कार्ड पहले फ्री में, बाद में चार्जेस लगे, तो यू नेवर नो कि मे बी फाउंटेन शो के लिए आपको बाद में पैसे पे करने पड़े। तो भाई हमने अभी जियो आपको दिखा दिया जियो में क्या चल रहा है। अब हम यहाँ से जियो से निकलने वाले हैं थोड़े पास में खाने के लिए, बिकॉज जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर खाने के ऑप्शन नहीं है। मैं आसपास में जाता हूँ, थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ बिकॉज बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। खाते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक जब देख रहे हो आपको पसंद आया होगा। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप मुंबई में कहाँ पर रहते हो और आप प्लान कर रहे हो जियो जाने का, हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताना। और मज़ा आ गया? मज़ा ही आ गया। अरे शी वाज डांसिंग वेरी नाइसली, इट वाज वेरी फन। अरे डूड, और मम्मी सिंक में डांस कर रही थी, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा पहले खाना खाया जाए, बिकॉज खाना नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा आना जरूरी है। मुझे एक साफ ग्लास दे दो। हम लोग अपने घर से पानी लेके आते हैं। हाँ भाई, अब चपाती भी देते हो ना फुल का? सबसे बड़ा दिक्कत चीज क्या है पता है क्या, कि खाने का ऑर्डर करना है, तुम कभी भी किधर जाते हो ना, सबसे ज़्यादा टाइम खाने के ऑर्डर में लगता है। खाना तुम 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हो, और ऑर्डर करने में तुमको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बेचारे में किसको ठंडा लगता है। साथ ही साथ मुझे पता चला कि मुंबई इंडियंस ने सारे के सारे ट्राइडेंट के रूम्स बुक कर दिए, और ट्राइडेंट ने बाहर के लोगों को भी जाना अभी अलाउड नहीं है, सिर्फ ट्राइडेंट के लोग ही जा पा रहे हैं। तो ये कुछ नई चीज़ थी, अगर आपको पता था ये चीज़ तो नीचे कमेंट करके बताना। एंड क्या आप लोग IPL देखने का सोच रहे हो ये साल? हाँ कि ना, साथ में चलते। मैं सोच रहा हूँ IPL के टिकट की गिव अवे करूँगा अपने अगले वीडियो में, तो उसी के लिए जो सब्सक्राइब किया होगा सिर्फ। भाई जनहित में सूचना जारी ये है कि हमने खाना खा लिया है, उसके बाद बहुत अभी मन कर रहा है मीठा खाने का, पर ऐसा लग नहीं रहा हम लोग मीठा यहाँ खाएंगे, बाहर जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग साइन में, साइन में अच्छी जगह काफ़ी होती है जहाँ पे आप लोकल मीठा खा सकते हो। तो मीठा खाते हैं, फिर घर जाकर थोड़ा आपसे बात करते हैं अंबानी के जियो फाउंटेन के 1-2 रूल्स जो आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप अंदर जाना चाहते हो। तो अभी आ गया वही टाइम जब मुझे पेमेंट करनी है कार्ड। 3 सबसे बढ़िया चीज़ आज के फाउंटेन शो में तुमको क्या लगी? द वन वॉज जो आप जो फायर थी वो वाली। सेकेंड वॉज द वड़ा पाव।
क्योंकि भूख लगी थी. हाँ एक्चुअली तो द एम्बियंस वाज वेरी गुड. एक्चुअली मेरा इसमें एक और ऐड करते ना चाय, कुल्लट वाली चाय, वो मिल गई, मजा आ गया. मतलब ऐसा लगा कि वर्थ इट था. अभी जरा आइसक्रीम खाना है, फालूदा खाना है, क्या खाना है? आइसक्रीम खाना. आइसक्रीम ठीक है, तो मैं फालूदा खाऊंगा. चॉको चिप एक वनीला में. तो दोस्तों आज आपने देख लिया कि भाई रिलायंस का ये जियो फाउंटेन शो कितना बढ़िया था, कितना क्या चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, कितना खर्चा जाएगा आपको, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं वीडियो में. अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना. अवेलेबिलिटी डेट्स प्राइसिंग को सारी चीज़ें लेके याद रखिए, जो फ्री चल रहा है ठीक है, जियो फाउंटेन शो जो फ्री चल रहा है इसे मार्च के एंडिंग तक है. खैर से अप्रैल 1st से ये लोग प्राइसिंग लगाना शुरू कर देंगे. प्राइसिंग क्या रहेगा मुझे पता नहीं है, पर मैं अपडेट कर दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा. वरना मेरे मेन चैनल पे भी आप आके चेक कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं डाल दूंगा तो आपको अपडेट मिल जाएंगे. एज ऑलवेज थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड विद मी. टिल देन मेरे भाई लोग, आप लोग जहाँ पर भी रहो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो. मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल के वीडियोज़ के साथ. तो दोस्तों बाय.